और वो चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, गर्मियों में शरीर पर छोटे छोटे बारीक लाल रंग के दाने कई लोगों को आ जाते हैं, प्रिकली हीट रश, जिसे हम घिमोरियां कहते हैं। इस घिमोरियों की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली, जलन और बहुत ज्यादा अनिजी सा फील होता है। ये माथे पर, हाथों में, गर्दन, पीठ पर कई दाने हो जाते हैं। ये गर्मी में पसीने की वजह से हो जाते हैं। दरअसल पसीना शरीर से निकलने वाली पानी की छोटी छोटी वो बूंदें होती हैं जिसमें अमोनिया, यूरिया, नमक और चीनी आदि मौजूद होते हैं। जो पसीना हमारी स्किन पर ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जिससे वो दाने होने लगते हैं। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग लंबे समय से घिमोरियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुल्तानी मिट्टी ओपन पोर्स को खोलती है और बॉडी को रिफ्रेश रखती है। बेकिंग सोडा जो खाने में यूज होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह गर्मी और पसीने की वजह से शरीर में पैदा होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करता है। आज घिमोरियों से राहत मिले, इसके लिए कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय लाई हूँ। जो सारी चीजें यूज करूंगी वो आपकी किचन में ही आराम से मिल जाएंगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपको लेनी है सबसे पहले बर्फ। जी हाँ, बर्फ जो हम फ्रीजर में जमा कर रखते हैं। इसके कुछ क्यूब्स लीजिए और आप डायरेक्ट इन घिमोरियों पर बिल्कुल न घिसें। आपको एक ठंडा सेक देना है। ठंडा सेक इस तरीके से दें, घर में कोई भी कॉटन का कपड़ा लें या फिर इस टाइप का जो मार्केट में मिल जाता है टैबलेट नुमा, उसे आप पानी में डालकर कॉटन के नैपकिन में बर्फ डालकर इसकी सिकाई करें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ये छोटे छोटे उपाय आपकी घिमोरियों से होने वाली जो तकलीफ होती है उससे फौरन राहत मिलेगी। अजमाकर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगी जिसमें से जो आपको पॉसिबल लगे उसका आप यूज कीजिए। इसके लिए एक और दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ एक साफ कटोरी लीजिए, उसमें 2 चम्मच ठंडा दूध लीजिए, इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालें। बेकिंग सोडा जो हमें किचन में रोज यूज होती है, इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डालें। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें। इस घिमोरियों की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली, जलन और बहुत ज्यादा अनिजी सा फील होता है। हमें गर्मियों में सुबह शाम 2 बार कम से कम जरूर नहाना चाहिए। नहाने के बाद अपनी बॉडी को सुखा कर टेलकम पाउडर लगाना चाहिए, जिससे बॉडी में कम से कम पसीना आए। कॉटन के कपड़े से घिमोरियों को धीरे धीरे स्पॉन्जिंग करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तीसरा तरीका ये है कि एक बोल में आप में 1 चम्मच बेसन डालें, उसमें 1 चम्मच चंदन पाउडर डालें और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें। इसमें थोड़ी सी बर्फ डालकर और रोज वाटर मिला लें। एक पतला घोल बना लें और इस ब्रश की मदद से इस घिमोरियों के ऊपर एक पैक लगा दें। इससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। और हाँ, अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए, जितना हो सके धूप में बाहर ना निकलें, सूती कपड़े व ढीले कपड़े पहने। पसंद आए लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।